तू चाहे। आज मुझे समझ में आया कि बिस्मा मुझे क्यों नहीं मिली, क्योंकि उसके और मेरे बीच में तुम्हारी खामोश मोहब्बत थी। मशाल बिस्मा आप ही का निकाह और आज रात को। हाँ मेरा बच्चा, बहुत अच्छा किया तुम आ गए, मैं इतनी खुश हूँ। बहन की शादी है तो कैसे नहीं आता? हमारे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन यार अभी तो मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? मैं शायद रुक, मैं भी आ रहा हूँ। हमारे बीच में जो भी ताल्लुक था ना, वो खत्म हो चुका है भाशर। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ बिस्मा, तो ताल्लुक कितनी आसानी से खत्म हो पाए? हम कब से एक दूसरे से मोहब्बत करते आ रहे हैं, हमारे दिलों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यार। तो तुम्हें लगता है कि इतना गहरा, इतना मजबूत ताल्लुक तुम्हारी सिर्फ इस एक बात से कभी खत्म हो सकता है क्या? तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी रहो, समझी? तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि हमारे बीच में अब क्या होगा और क्या नहीं? ये डिसीजन मेरा है अब, और मैं आज सबके सामने तुमसे हर तरह का ताल्लुक तोड़ती हूँ। मुझे ही नहीं करनी शादी तुमसे, जो बन पाए वो कर लो। दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। मेरी जिंदगी में आना होगा। रहो शुक्र तुम पाने की तमन्ना तो पूरी हो, अब तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहना। इसमें मैं अपनी मोहब्बत में बहुत पोजेसिव हूँ, जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई तुम्हारी तरफ नजरें उठाकर देखे। मैं तुम जैसी ही बीवी चाहता था। बाय द वे एक सरप्राइज है आपके लिए, हम कल सुबह वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। कल? इतनी जल्दी? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि कुछ वक्त हम अकेले में स्पेंड करें, कोई हमारे दरमियान ना हो। और वैसे भी अब तो मैं आपको अपनी मर्जी से कहीं भी लेके जा सकता हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। वैसे आपकी मम्मी को तो पता है कि हम कल सुबह बाहर जा रहे हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, बिस्मा की शादी हो गई, वो अपने घर की हो गई। या अल्लाह मेरे अरमान बेटे की परेशानियां दूर फरमा, कुरान को हिदायत अता फरमा, नेक रास्ते पे चला मेरे मालिक। शमा, शमा। हाँ। अरे उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है। नहीं उठा जा रहा, इतनी थकान हो रही है। नमाज तो पढ़नी है ना, उठ जाओ, हिम्मत कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, उबैद साहब बात करें? जी आप कौन साहब? उबैद साहब, मैं SHO जावेद बात कर रहा हूँ, सदर थाने से। आपको इंतहाई अफसोस के साथ ये इत्तला देनी थी कि आपका बेटा बुरहान पुलिस मुकाबले में मारा गया, वो डकैती की वारदात में मुलविस था। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप फौरन थाने पहुंचे।
क्या हुआ, किसका फोन है? खैरियत है ना? शंभा, शंभा, शंभा तेरा लाडला बुरहान पुलिस मुकाबले में मारा गया। इंसान खुद ही अपनी नजरों से इतना गिर जाता है कि अपने रब से माफी मांगते हुए भी शर्म महसूस होती है। ये अल्लाह, मैं तुझसे मांगू तो क्या मांगू? तेरी रहमत किस मुंह से मांगू? करम क्या मैं इसका भी लूं? ये माफी, ये तो हर मुजरिम, हर गुनाहगार के लिए जाना। तू मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गुनाहगार। तू मेरे बेकरार दिल को चैन दे दे, या अल्लाह मेरे बेकरार दिल को करार आ जाए। मुझे माफ कर दे, पाक बनोड़े कर, मुझे माफ कर दे। फसीहा, हर इंसान अपने मुहासबे के लिए खुद ही काफी। अब्बास, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो मुझे का बहुत ख्याल रखते थे। अल्लाह से दुआ करो कि वो मुझे माफ कर दे। बेशक वो माफ करने वाला सच्चा रब, मगर कभी कभी वो इंसान को अच्छी तरह उसके गुनाहों का एहसास दिलाने के बाद ही माफ करता। मेरे दिल की तड़प को नहीं समझ सकते। समझ रहा हूँ फसीह, मगर तुम्हारे इस दर्द का मदावा सिर्फ अल्लाह ही के पास है। जब कोई अल्लाह के नेक, बेजरर, मासूम बंदे को दुख देता है ना, तो वो जात बारी ताला फिर मुआफ भी इतनी जल्दी नहीं करती। नहीं नहीं, ऐसा ना को, ऐसा मत को, बस ऐसा मत को। अल्लाह माफ करने वाला है, उस रब से मांगो, वो जरूर माफ कर देगा। अब्बास, ये आपकी चाय। शुक्रिया। अब्बू, अम्मी, हरीशा बाहर आओ। क्या हुआ? बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? खैरियत तो है? अभी अभी अरमान का फोन आया था, बुरहान का मर्डर हो गया। क्या? हाँ, वो किसी डकैती में इन्वॉल्व था, रात को मारा गया। मुझे पहले ही इसकी हरकतों पे शक था, कितना मना किया था मैंने लोगों को। बहुत बुरा हुआ है। अब मेरा ख्याल है मैं फौरन चाचा के पास जाना चाहिए, वो हॉस्पिटल में बुरहान की डेड बॉडी उधर ही है। अम्मी, आप और अरीशा फौरन चाची के पास जाएं, वो बेहोश पड़ी है। अदन की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही। तुम्हें शर्म है किसी बात की? हर बात का कोई वक्त होता है, कुछ तो खुदा का खौफ करो। अरीशा, उनके घर पे क़यामत टूट पड़ी और तुम इस तरह की फजूल बातें कर रही हो। जब मैं बीमार थी तो कोई आया था? अरीशा, कभी तो वक्त और हालात का ख्याल कर लिया करो। तुम्हारी जुबान पर तो हर वक्त गिले और शिकवे ही रहते हैं, और जो खुद तुम करती रहती हो दूसरों के साथ, कभी ख्याल आया उसका? जब से मशाल इस घर से गई है, दोनों खानदानों पे मुसीबतें टूट पड़ी हैं। अल्लाह की बेआवाज लाठी ऐसे हरकत में नहीं आती, इंसान खुद उसे
अपने अमाल से हरकत में लाता है, समझी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलो तुम तैयार हो जाओ, जल्दी से पहुंचो उनके घर, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। चलो तैयार, चलो तैयार हो जाओ, चलो। मॉर्निंग, आपको अपने नए घर में पहला दिन मुबारक हो। मैं बहुत शिद्दत से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था और फाइनली वो दिन आ गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। मैं वैसे बात पूछना चाहती थी आपसे, आप मुझसे इतना प्यार करते क्यों हैं? मैं क्यों प्यार ना करूं? तुम्हें तो मैं अपने दिल में संभाल कर रखूंगा। एनीवेज जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं सामान गाड़ी में रखवाता हूँ, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। झूठ है ना, झूठ है। मेरा बुरान मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं, आ गया, दरवाजे पे आ गया, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ आ गया, मेरा बुरान आ गया। भाभी आपने सुना मेरे बुरान के साथ क्या हुआ? मैंने भी सुना, मेरे बुरान के साथ क्या हुआ सुना? नहीं, आपने गलत सुना है। मेरा बुरान मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। आगे मैं बाहर, मैं जाऊं दरवाजा खोलूं। जमाश करो, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। जमाश करो, मैं जा सकता। ये तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि फिर इतनी खूबसूरत बीवी मिली। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। देती कि मैं जा रही हूं। विस्मा जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। एक मिनट, मैं बैग लेकर आई। क्या बात है मशल, तुम बहुत उदास लग रही हो। पता नहीं सारा, दिल पर एक अजीब बोझ सा है। अरे तुम तो बहुत पॉजिटिव लड़की हो, फिर बोझ क्यों? पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मशल, मैडम का तुम्हारे लिए मैसेज है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तुम्हारा एडमिशन करवाना है। लेकिन वो तो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के बगैर तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। हाँ मुझे पता है, लेकिन लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स, वो तो मैं वहीं छोड़ा ही जहाँ रहती थी। तो मंगवा लो या खुद जाकर ले आओ। सारा मेरा वहां जाना नामुमकिन है। कोई फ्रेंड, कोई हमदर्द, कोई तो होगा वहां जो तुम्हें ला दे। हाशर, वो कौन? मेरे कजन है, लेकिन मेरा तो मोबाइल भी वहीं रह गया। क्या नंबर याद है? हाँ नंबर याद है, मैं किसी से मोबाइल लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे जनाजे का टाइम हो गया है, शमा अंदर बेहोश पड़ी है, इतना भी नहीं आई,
मेरे एक ही बहन है, मरे भाई का मुंह देखने नहीं आई। अरे कल ही तो शादी हुई है, आज हलीमा है, हो सकता है ससुराल वालों ने मना कर दिया हो। अरे खून का रिश्ता है उनका, कैसे ससुराल वाले हैं जालिम जाबर लोग, जनाजे के टाइम में उसको भेज देते ना। भैया आजकल के लोगों का खून ही सफ़ेद हो चुका है। अपने होते तो दर्द महसूस करते, खैर है ना, अल्लाह जाने बहन कितना तड़प रही होगी। फरमान बेटी, बिस्मा को फोन करो, उसे कहो कि एक बार अपने भाई की शक्ल तो देख सके। वो मैंने इतनी दफा कॉल करने की कोशिश की है, वो फोन अटेंड ही नहीं कर रही। शहजान जनाजे का वक्त हो गया। बेटा एक बार, सिर्फ एक बार बिस्मा को फोन तो करो, कोशिश तो। ये लो मिल गया, मिलाओ। फोन कट कर दिया, आखिरी बार मिलाऊं? हाँ चल। वो फोन नहीं अटेंड कर का वक्त है। फोन ही बंद जा रहा है, अब क्या होगा? तो देखो कुरान को लेने के लिए। नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगी अपने बच्चे को, नहीं। अरे क्षमा हौसला करो। कहां से लाऊं हौसला, नहीं है मुझ में। अरे मेरे बच्चे को आप छीन के लेके जा रहे हैं, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। नहीं जाना, जनाजे का वक्त हो रहा है, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्या करूं? करने दो इंतजार, नहीं जाएगा मेरा बच्चा, नहीं जाएगा। चाची बात सुने, देर हो रही है, सुना से। तुमने तुमने जान ली है इसकी, तुम इसके दुश्मन, तुमने इसको जान से मारा है, तुमने मारा इसे, तुमने। अम्मी संभाले अपने आप को। देखो मेरा बच्चा कह रहा है, ये कातिल है इसका, कातिल है इसका। भाभी अच्छी ऐसी बातें ना कर। आज सुबह पुलिस मुकाबले में चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस 3 नौजवान मारे गए, बुरहान अहमद, शाहिद और साकिब। मशल देखकर रोने क्यों लगी? बताओ क्या बात है? मुझे लगता है तुम उन लड़कों को जानते हो। बुरहान मेरे चाचा का बेटा था। ओ,
चाचा उबैद तो बहुत अच्छे थे, पता नहीं उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो फिर क्या तुम उनके पास जाना चाहते हो? जाओ किसी यतीम खाने या पानी में कूद मरो, लेकिन यहाँ पर दोबारा आने का सोचना भी मत समझी तुम। अम्मा थक्के देकर इसको इस घर से निकालते हैं। हाँ हाँ जाओ, हमें तुम्हारी और हाशिर दोनों की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे हजार गुना बेहतर लड़की ब्याह के लाऊंगी मैं अपने बुरहान के लिए, और इसका रिश्ता भी बहुत अच्छी जगह करूंगी। चलो निकलो निकलो, बड़ी आई हमदर्द, चलो। बताओ क्या तुम उनके पास जाना चाहते हो? नहीं। बस करो शम्मा, सबर कर, सबर के सिवा कोई चारा नहीं। हौसला करो, मेरा बच्चा। उबैद भाई शम्मा को समझाए, देखे ना इसके तो आंसू ही नहीं थम रहे। शम्मा सबर कर। उबैद कहाँ छोड़ आए हो मेरे बुरहान को? मेरा जवान बेटा इस वक्त कब्र में सो रहा है, मैं यहाँ जिंदा बैठी हूँ, इतना जुल्म क्यों किया तुमने मेरे पे? शमा हौसला करो, अल्लाह की रजा के सामने हम सब बेबस। एक माँ से उसका जवान बेटा छीनने में कौन सी मसलियत है? देखो शमा, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक, हम उसकी मसलियत को नहीं समझ सकते। इतने प्यार से उसे पाला पोसा, खिलाया पिलाया, इतने 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 लाड उठाए उसके इन हाथों से, और देखो वो जा रहा था तो इन हाथों ने उसे छुआ भी नहीं, उसे प्यार भी नहीं कर सके, प्यार भी नहीं कर सके। बस आप हौसला करें, आप उसकी मगफरत के लिए दुआ करें। कैसे कैसे यकीन करूं मैं कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया? अरे मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। जब दिल पे चोट लगती है तो फिर दिल बहुत मुश्किल से संभलता, बहुत मुश्किल। बुरहान अभी प्लीज आप हौसला करें, डॉक्टर ने आपको इतना रोने से मना किया है। तो क्या होगा, मर जाऊंगी ना मैं? अच्छा है ना, मेरा बच्चा वहां अकेला होगा, मैं उसके पास चली जाऊंगी, अच्छा है, मैं मरी जाऊंगी, अच्छा ना। अम्मी आप खुदा के लिए इस तरह की बातें मत करें, हम सबको आपकी जरूरत है, मुझे, अब्बू को, विस्मा को, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। बुरहान 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 आ जाओ बुरहान, एक बार आ जाओ, कहीं नहीं जाने दूंगी, वहां के सीने से लग जाओ, बुरहान आ जाओ, बुरहान बुरहान आ जाओ, बुरहान बुरहान। बुरहान अपनी सरकशी में इतने मदहोश हो गए थे कि तुम्हें मौत याद ही ना रही। काश मुझे तुम्हारा कोई अच्छा अखलाक, अच्छी बात याद होती तो तुम्हारी मगफरत के लिए मैं दुआ भी करती, लेकिन लेकिन क्या करूं,
इतनी कोशिश के बावजूद मेरे मुंह से तुम्हारे लिए कोई दुआ नहीं निकल रही। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि मरने के बाद इंसान किसी की दुआ भी ना ले सके। उबैद, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आप ठीक कह रहे हैं अब्बास भाई। हशर, मशल का कुछ पता चला? नहीं अम्मी, कुछ पता नहीं चला। हर जगह ढूंढ लिया, समझ नहीं आ रहा कहां चली गई। यही सोच सोच कर तो मेरा दिल दहल जाता है कि वो मासूम ना जाने कहां ठोकरें खा रही हो। मुझे तो लगता है हमें मशल की बद्दुआ लग गई। बद्दुआ? हाँ, दुआएं रंग ला सकती हैं तो बद्दुआएं रायगा नहीं जा सकती। वह तुम ठीक कह रहे हो, मशल के जाते ही दोनों घरों पर कयामत ही टूट पड़ी। अरीशा मरते मरते बची और बुरहान दुनिया ही छोड़ गया। ठीक कह रहे हैं आप, हमने उस यतीम प्यासरा के साथ बहुत ज्यादती की और आपा भी के साथ भी। देखे ना, सारी बिंदुआ मुझे लग गई, तेरा बुरहान मुझे छोड़ के चला गया। कुछ नहीं बचा मेरे पास। मुझे तो ये सोच सोच कर खौफ आ रहा कि क्यामत के रोज जब अल्लाह पूछेगा कि तुम सब लोग मिलकर भी एक यतीम की ढंग से कफालत ना कर सके, उसकी हिफाजत ना कर सके, तो क्या जवाब देंगे हम? हमारी नमाजें, रोजे, दूसरी इबादतें क्या छुड़ा पाएंगे हमें? नहीं, कभी नहीं। पर तुम दोनों बताओ, क्या तुमने कभी भी एक दिन भी उस यतीम ब्यासरा बच्ची के साथ हमदर्दी जतलाई? कभी कोई अच्छा सलूक किया? फसीहा, परीशा, शमा, तुम लोगों ने भी उसके साथ बहुत ज्यादा की। अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है तुम लोगों ने, और तुम दोनों मर्द होकर भी अपनी यतीम चचाजात के मुहाफिज ना बन सकते। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, जो यतीम को धक्के देता है, मस्कीन को खाना नहीं खिलाता, उनके लिए हलाकत और बर्बादी है। आप बताओ सब मुझे, क्या अल्लाह हमें माफ कर देगा? हाँ, या अल्लाह हम तेरे गुनाहगार, हमें माफ फरमा दे, पर हमारी बच्ची जहां कहीं भी है उसे अपने हिस्से अमान में रख। आमीन, आमीन। सुमा, हाँ शेरियार, बात हुई बॉस से? हाँ यार, थैंक यू यार। मैं यार जल्दी वापस आने की कोशिश करता हूँ, बल्कि काम करता हूँ, मैं अभी फ्लाइट बुक करवाता हूँ। थैंक यू यार, आई ओ यू वन। अरमान, क्या हम वापस जा रहे हैं? रीशा, हम नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये रिशा कि ना अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट रहा है। अरमान,
मैं आपकी बीवी हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत। खबरदार रिश, खबरदार जो तुमने मोहब्बत का नाम भी लिया। मोहब्बत के नाम पे तुमने मुझे जिस तरह एक्सप्लॉइट किया है, नफरत हो गई है मुझे मोहब्बत से और तुमसे भी। तुम ये सब कुछ मशल की वजह से कर रहे हो? मशल की वजह से नहीं, तुम्हारी हरकतों की वजह से। अरिशा सलमान, चार के लिए मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ होंगी। एक दफा मुझे माफ कर दो। तुम किसी माफी के लायक नहीं। मैं नहीं जानती थी मेरी गलतियां मेरे इतने बड़े गुनाह बनकर मेरे सामने आएंगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मशल अच्छे लोग खुशबू की तरह होते हैं और जहाँ जाते हैं माहौल को महका देते हैं। मैम मैं समझी नहीं। आज सुबह ही मैं विजिट पर आई थी और आपकी साथी खवातीन आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी, यहाँ तक कि रशीदा कहने लगी कि मशल को मेरी बेटी बना दें। मैम ये सब मेरी आपा जी की तरबियत का असर है। उन्होंने मुझे सिर्फ मोहब्बत करना सिखाया, कभी किसी से नफरत करना नहीं सिखाया। और ये मुमकिन ही नहीं है कि मोहब्बत अपना असर ना दिखाए। खैर छोड़ो, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि कल सुबह मिसेस जुहैब आ रही हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को खुद ही मैनेज करेंगी। वो बिना जाने बिना देखे ही आपकी केस में बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं। क्या वाकई? बिल्कुल। मैम आपको नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी। हेलो। जी जी बिल्कुल, मैं मिसेस शौकत ही बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, वो यहीं पर ही हैं। ओके अल्लाह हाफ़िज़। किसी डीएसपी रिहान का फोन था, उन्हें पता चल चुका है कि आप यहाँ पर हैं। डीएसपी रिहान? मैम वो तो मेरी दोस्त रमशा के कजिन है। मैम प्लीज मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, आप उनको मेरे बारे में कुछ भी मत बताइएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, कोई भी आपको जबरदस्ती यहाँ से नहीं ले जा सकता। थैंक यू सो मच मैम। बस मैम अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और अपना फ्यूचर बनाना है। इंशाल्लाह वही होगा जो आप चाहेंगे। अब आप परेशान बिल्कुल ना हो, जाएं और जाकर आराम करें। थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम। और कितने आंसू बहाओगे, बस कर दो, रात भी तुम्हारी तबीयत खराब होगी। एक बेबस माँ के पास बहाने के लिए आंसू के सिवा और क्या होता है उबर? मैं तो तुम्हें समझाता था लेकिन तुम नहीं समझती थी। मैंने बुरहान को मौत के मुंह में धकेला, मुझे शक था उस पर, मगर मैं पर्दे डालती रही। मुझे यकीन हो गया बेटों को बिगाड़ने में माओं का सबसे बड़ा हाथ होता है। मैंने अपने ही बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दी। मैंने बहुत बुरा किया अपने बच्चे के साथ, मैंने बहुत बुरा किया मैंने अपने दोनों बच्चों को बर्बाद किया। मैंने आपके हर्षित के साथ भी बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दे।
शमा, अपनों और गैरों में यही तो फर्क होता। अपने सरासी मुसीबत में भी सब कुछ बुलाकर इकट्ठे हो जाते और गैर पूछते भी। हाशिर, सब कुछ होने के बावजूद तुम्हारे साथ साथ और फराज ने हमें फोन तक। अब खुद को संभालो शमा, संभालो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हाशिर भाई। मुबारक हो, मशल का पता चल गया। क्या तुम सच कह रही हो? जी, मुझे अभी रेहान भाई की कॉल आई है। कहाँ है वो इस वक्त?